नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब हेल्दी और अच्छे होंगे। मैं डॉक्टर दुष्यंत चौहान, बोन एवं जॉइंट स्पेशलिस्ट, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन, रायपुर छत्तीसगढ़ से। दोस्तों, मैं अपने चैनल पे हमेशा नस, बोन, जॉइंट एवं मांसपेशी संबंधित रोगों के बारे में बताता हूँ और मेरी ये कोशिश होती है कि हड्डी संबंधी जो भी बीमारी है उनके बारे में मैं आपको अवेयर कर सकूँ और आपको इन बीमारियों के बारे में जो भी जानकारी है साझा कर सकूँ। दोस्तों, पेशेंट एजुकेशन वीडियो की इस सीरीज़ में मैं आज आपसे बात करूंगा प्लास्टर में होने वाले तकलीफ़ों के बारे में। दोस्तों, बहुत सारे मामलों में आपने देखा होगा प्लास्टर लगने के बाद, या ये कच्चा प्लास्टर हो या पक्का प्लास्टर हो, बहुत लोगों को प्लास्टर के अंदर खुजली या इचिंग की समस्या होती है। तो आज आपसे मैं इसी समस्या के बारे में बात करूँगा और आपको बताऊँगा कि इस प्रकार की जब भी समस्या हो तो आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, जैसा आप सबको पता है, हड्डी रोग के अधिकतर मामलों में हम प्लास्टर का यूज़ करते हैं पेशेंट के हड्डी को सही जगह पे बिठाने के लिए, या कई बार बच्चों में जब हड्डी अनडिस्प्लेस हो, जिसमें कोई भी किसी प्रकार का कोई बिखराव ना हो, तो उसे ठीक करने के लिए, या जब भी आपके जॉइंट्स में कोई मोच हो तो उसे ठीक करने के लिए हम कुछ दिनों तक इमोबिलाइजेशन के लिए प्लास्टर का यूज करते हैं। प्लास्टर या तो कच्चा प्लास्टर हो सकता है या फिर पक्का प्लास्टर भी हो सकता है। दोस्तों, ये प्लास्टर हो सकता है POP यानी जिप्सम से ही बना हो, या हो सकता है कोई फाइबर कास्ट भी हो सकता है, जो आपने बहुत बार देखा होगा कलरफुल कास्ट होते हैं, जो कई बार आपने देखा होगा कि हाथों में रंग बिरंगे कास्ट होते हैं, तो ये फाइबर कास्ट होते हैं। किसी भी प्रकार के प्लास्टर लगाने के बाद हड्डी को एक रेस्ट मिल जाता है और वो जगह इमोबिलाइज हो जाता है, यानी वहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं होता। जब इस प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं होता तो हड्डी जल्दी हील होती है, नई बोन बनती है, और यदि मांसपेशियों में, स्नायु में, लिगामेंट में कोई भी टूट फूट हो या कोई भी इंजरी हो तो जल्दी से जल्दी ये इंजरी हील होती है और हम पुराने अवस्था में जल्दी से जल्दी लौट सकते हैं, इसलिए हम प्लास्टर का यूज़ करते हैं। परंतु कई बार प्लास्टर लगने के बाद OPD में जो पेशेंट आते हैं वो एक खुजली की समस्या के साथ आते हैं कि खुजली हो रहा है, क्या करें। दोस्तों, प्लास्टर के अंदर खुजली होने पे आपको क्या क्या नहीं करना है और अगर ज़्यादा खुजली होती तो क्या क्या करना है, इन्हें हम दो अलग अलग भागों में विभाजित करते हैं। सबसे पहले, जब भी आपको प्लास्टर के अंदर कोई भी खुजली होता है, सबसे पहले आपको कोई भी नुकीली चीज़ से अंदर बिल्कुल भी नहीं खुजलाना है। दोस्तों, अगर आप इस प्रकार की खुजली करेंगे तो किसी भी नुकीली चीज़ से अंदर और इंजरी हो सकती है, और चूंकि वाला स्थान प्लास्टर के अंदर बंधा हुआ है तो वहाँ पे घाव भी हो सकता है, और वो घाव आपके बिना जाने बड़ा हो सकता है और अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। हो सकता है ये इन्फेक्शन आपके हड्डी के अंदर ही पहुँच जाए जो पहले वहाँ नहीं था, इसलिए कभी भी किसी नुकीली चीज़ का उपयोग न करें। किसी भी प्रकार का कोई भी सामान, कागज़ का टुकड़ा, किसी प्रकार का कोई भी लकड़ी, पेन, कोई भी चीज़ अंदर ना डालें। कई बार हम ये चीज़ डाल देते हैं, इससे लगता है कि हमारी खुजली कम हो जाएगी, बट आपको ये भी नहीं करना है। प्लास्टर को किसी भी जगह पे रगड़े नहीं, किसी भी हार्ड सरफेस पे रगड़ के खुजली करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, ये आपके लिए मुश्किल हो सकता है। चौथी चीज़, कई बार वहाँ पे पानी डालने की कोशिश करते हैं जिससे उनकी खुजली कम हो, तो आपको प्लास्टर में पानी भी नहीं डालना है और उसे गीला होने से बचाना है। दोस्तों, अगर आपको खुजली होती है तो करें क्या? आप सबसे बड़ा सवाल ये है कि खुजली प्लास्टर के अंदर क्यों होता है। सबसे पहली जो कारण होती है, या तो आपका जब प्लास्टर लग रहा हो उस समय प्रॉपर तरीके से अच्छे से पैडिंग ना हुई हो, या फिर अच्छे से आपकी जो लिम्ब या आपके हाथ पैरों में जहाँ भी प्लास्टर लगा हो वो जब क्लीन अच्छे से नहीं होता तो इस प्रकार की खुजली होती है। इसलिए प्लास्टर लगाने से पहले उस जगह को अच्छे से स्पिरिट से या वाटर से क्लीन करवाएं और उस जगह पर पाउडर का यूज़ करें, या फिर कोई अच्छे से पैडिंग उस पर कॉटन की होनी चाहिए जिससे आपके किसी प्रकार की इचिंग ना हो। यदि उसके बाद भी इचिंग होता है तो कई बार इचिंग बहुत माइल्ड होता है, इसे आप सिंपल इग्नोर करके भी ठीक कर सकते हैं। यदि आपको उस जगह पे बहुत ज़्यादा इचिंग होती है तो आप अपने पैरों की उंगली को चलाइए, हाथों की उंगली को चलाइए, उस जगह को मोड़ने की कोशिश कीजिए, कोई भी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करने की कोशिश कीजिए। कई बार मसल मूवमेंट के बाद भी वहाँ की इचिंग ठीक हो जाती है और आपको राहत मिलेगी। आप जब ऐसा काम करते हैं तो आपके जो ब्रेन का अटेंशन है उस जगह से जाता है और कई बार खुजली अपने आप ठीक हो जाती है, किसी प्रकार की कोई भी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। दोस्तों, अगर आपको खुजली बिल्कुल भी बंद नहीं हो रहा है तो आप एंटी हिस्टामिनिक्स या सिट्रिजिन जैसे दवाई, कुछ भी दवाई जिस पर आपको एलर्जी नहीं हो रही हो, डॉक्टर से पूछ के ले सकते हैं माइल्ड केसेस पे। परंतु सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि बहुत बार जो खुजली होती है वहाँ पे जब घाव बन जाती है तो घाव के कारण भी खुजली होता है। तो जब आपको ऐसा कोई फीलिंग होता है कि बहुत दिन तक खुजली बंद ही नहीं हो रही है, तो आप अपने डॉक्टर के पास, जिन्होंने आपका प्लास्टर लगाया है, उनके पास जाइए
डॉक्टर आपको प्लास्टर खोल के देखेंगे, यदि वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ हो तो फिर से प्लास्टर को पुनः लगा देंगे, जिससे आपकी खुजली भी ठीक हो जाएगी। परंतु यदि आपको खुजली बहुत ज़्यादा इरीटेट कर रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो आपको डेफिनेटली इसको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि ऐसी स्थिति में वहाँ पर घाव बनने की भी बहुत बड़ी संभावना होती है, और ये घाव कई बार बहुत बड़ा रूप ले लेती है और इसका इन्फेक्शन आपके हड्डी में पहुँच सकता है। तो दोस्तों ये हो हड्डी में अगर आपको किसी प्रकार की चोट हुई हो, प्लास्टर लगा हो, तो आपको खुजली हो, तो एक बहुत कॉमन सी चीज़ है, बट आप उसको इग्नोर करके थोड़ा सा एक्सरसाइज करके, थोड़ा सा एंटी हिस्टामिनिक्स लेके, या कई बार आप उसको इग्नोर करके अपना अटेंशन डाइवर्ट करके भी ठीक कर सकते हैं। यदि आपको कॉन्स्टेंटली बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही हो और आपको एकदम एक डिसकम्फर्ट वाली फीलिंग हो, बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो, तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें और आपके ट्रीटिंग डॉक्टर के पास ही मिलें, क्योंकि उस स्थिति में उस जगह को खोल के देखना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ प्लास्टर में होने वाले तकलीफ़ों के बारे में दी हुई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और किसी भी प्रकार की ऑर्थोपेडिक जानकारी के लिए इस चैनल से जुड़े रहें और बेल आइकन दबा दें। मैं ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो आपके हमेशा लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।